दुष्यंत सिंह परिहार, रज्जन भैया, पूर्व प्रधान नेवादा जिला हमीरपुर की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश यादव, क्षेत्रीय महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दारू की दुकानें सरकारी ठेका पे होती हैं और कम से कम यही उम्मीद लगाई जा सकत कि इन दुकानों में असली दारू मिले, लेकिन शराब के शौकीन अगर आप हैं तो जरा रुको, काहे कि शराब की सरकारी ठेका वाली दुकानों में भी जहरीले केमिकल से बनी हुई शराब की बिक्री हो रही है, जो हम नहीं कह रहे बल्कि यूपी पुलिस कह रही। हमीरपुर पुलिस ने एक नकली शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करी, 1000 लीटर से ज़्यादा अवैध नकली शराब बरामद करी है, जिसमें कई बोतलें भरी मिली हैं, कई बोतलें खाली मिली हैं। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करेगा है, जे अपने घर में शराब बनाते, सरकारी लेबल लगाते और फिर सरकारी शराब की दुकान से यही माल को बेच के लोगन की जान से खिलवाड़ करते। आबकारी विभाग ने झूम ब्लू फायर जैसे नामी ब्रांड से बनने वाली देसी शराब को बरामद करे है। 500 से ज़्यादा शराब की भरी सीसी और खाली सीसी, 700 से ज़्यादा बोतलों के ढक्कन और शराब बनावे की मशीनों से लेकर इनमें प्रयुक्त होने वाले केमिकल भी बरामद करे हैं। जनपद हमीरपुर के मौदहा में इस गोपनीय सूचना मिल रही थी कि शराब का जो एक लाइसेंसी व्यक्ति है, जिसकी शराब ठेका है, उसके यहाँ अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है। अवैध तरीके से फैक्ट्री संचालित होने की सूचना पर जब घर पे उसकी तलाशी ली गई तो 2 व्यक्ति, एक तो मोतीलाल और दूसरा माहेश्वरी प्रसाद गुप्ता, ये 2 लोग मिले। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हमको अवैध शराब बरामद हुआ। इसमें 225 अदद क्वार्टर देसी शराब ठेका झूम नाम से और 45 क्वार्टर ब्लू फायर, इसके अलावा 100 लीटर अपमिश्रित शराब की 2 प्लास्टिक की पीपियां, 169 क्वार्टर सीसी और काफ़ी सारा बनाने का आइटम मिला। ये वहाँ से पैक करके और ला करके वहाँ पे अपने शराब के ठेके से फिर बेचते थे। मौत को जो गोरख धंधा हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र के परछज गांव में चल रहा तो जिते अवैध शराब बनावे किलाने मकान के अंदर देसी शराब की फैक्ट्री लगाई गई और फिर सरकारी देसी शराब की शीशियों में पैक करके नकली शराब दुकानों पर पहुँचा के बांटी जाती। ये अत्यंत ही नुकसानदेह था और एक पुलिस टीम को मौधा पुलिस टीम द्वारा एक बहुत अच्छा ये कार्य किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। संपूर्ण पुलिस टीम को 5000 रुपये का इनाम भी इसमें दिया गया है। साथ ही जहां भी इस तरह का कार्य हो रहा होगा उनके विरुद्ध ये कार्रवाई इस तरह की जारी रहेगी। तो मतलब अब ये माना जाए कि जो सरकारी शराब के ठेके उसमें भी आप आगे जाँच कराएंगे? निश्चित रूप से जहाँ भी इस तरह की शिकायतें मिलेंगी तो जाँच जरूर कराई जाएगी, इसलिए कि पूर्व में भी कई जगह ऐसी जानकारी मिली थी जहाँ शराब के ठेके से शराब पीने से तमाम लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसलिए हम इसको लेकर के सजग और सतर्क हैं कि यहाँ इस तरह की कोई घटना न होने पावे और जो भी इस तरह का कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में नकली शराब पीने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की मौत भई है पिछले कुछ दिनों में और अब पुलिस ने ई मामले में कार्रवाई करके कम से कम कई लोगों की जान तो बचाई ली है।